एक दिन ऑफिस जाते वक्त मैंने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे। एक दिन की इंग्लिश वन डे, आपस में लड़ रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, वन डे वाइल गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाते वक्त जहाँ पर दो कार एक साथ होती हैं वहाँ पर हम वाइल का यूज करते हैं। वन डे वाइल गोइंग टू द ऑफिस मैंने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, इसको दूसरे भी तरीके से हम लिख सकते हैं कि मैंने दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। आई सॉ टू पीपल फाइटिंग विद ईच अदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आई सॉ के बाद दैट क्यों नहीं लगा है और दैट टू पीपल वर क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इसमें दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसको पूरा एज अ फ्रेज लिया जा रहा, इसलिए इसमें हम टू पीपल वर फाइटिंग नहीं लिखेंगे। आई सॉ टू पीपल फाइटिंग विद ईच अदर। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम श्यामू था। वन वॉज नेम्ड रामू, एक का नाम रामू एंड दूसरे का नाम श्यामू था। वन वॉज नेम्ड रामू एंड द अदर वॉज श्यामू। अब यहाँ पर द अदर वॉज नेम्ड श्यामू भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले वाले सेंटेंस में नेम्ड रामू लिख दिया तो अगले वाले सेंटेंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वन वॉज नेम्ड रामू एंड द अदर वॉज श्यामू। पूछने पर पता चला कि वे दोनों एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे। पूछने पर, when asked, पूछने पर की इंग्लिश होगी when asked। पता चला मीन्स मुझे पता चला। दोस्तों, कभी कभी हमको हिंदी सेंटेंस भी समझना पड़ता है, हम एज इट इज उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ 26 अल्फाबेट्स होते हैं और हिंदी में जस्ट डबल होते हैं, तो हम उनको 26 को जस्ट डबल से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। When asked, पूछने पर, when asked, पता चला, किसको पता चला, मुझे, मीन्स यहाँ पर मुझे नहीं लिखा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आई लगाना पड़ेगा। When asked, I got to know, पता चला, that, कि वे दोनों एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे। दैट वंस दी बोथ ऑफ देम, दी बोथ ऑफ देम, हम किनकी बात कर रहे हैं, वे दोनों, दी बोथ ऑफ देम वर फास्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे, फास्ट फ्रेंड्स। पर जब से दोनों के बीच में रुपए पैसों का लेन देन शुरू हुआ, बट जब से और लास्ट में आ रहा है तब से, तो जब से और तब से जहां पर आ जाए वहां पर हम यूज करते हैं ever since हम यूज कर लेंगे तो उसका मतलब जब से और तब से हो जाता है। पर जब से दोनों के बीच में रुपए पैसों का लेन देन शुरू हुआ तब से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। बट ever since इट स्टार्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, पैसों का लेन देन शुरू हुआ। बट ever since इट स्टार्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, दे बोथ बिकेम एनिमीज ऑफ ईच अदर। जब से रुपए पैसों का लेन देन शुरू हुआ वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, बिकेम एनिमीज ऑफ ईच अदर, दुश्मन बन बैठे। पूछने पर रामू ने कहा कि श्यामू मेरे 10,000 रुपए चाहता है। दोस्तों, ये हमने अपने आप से लिखा है कि आपको पता चल सके कि मेरे रुपए चाहता है कि इंग्लिश क्या होती है पूछने पर, और आगे भी सेंटेंस देखेंगे कि उल्टे तुम मेरे पैसे चाहते हो। अगर यहाँ पर अगर ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं, अरे मैं क्या, उल्टा तुम मेरे पैसे चाहते हो, उल्टा तुमने मुझे गाली दी थी, अगर ऐसे सेंटेंस कहीं पर आ जाते हैं तो उनको इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। तो पर्पस यही है आप लोगों को समझाना। पूछने पर रामू ने कहा कि श्यामू मेरे 10,000 रुपए चाहता है। व्हेन आस्क्ड, रामू सेड दैट श्यामू ओज मी 10,000 रुपीज। पैसे चाहना मतलब ओ होता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ओ में एस लग गया तो ओस हो गया। दैट श्यामू ओस मी, श्यामू मेरे चाहता है 10,000 रुपीज, मेरे 10,000 रुपए चाहता है। बट श्यामू से, लेकिन श्यामू का कहना है, श्यामू का कहना है का मतलब श्यामू कहता है, बट श्यामू से दैट वो 10,000 रुपए कब का दे चुका है। दैट ही हैज रिटर्न्ड, वो वापिस कर चुका है That money a long time ago, कब का दे चुका है मतलब a long time ago. That Shyamu says that he has returned that money a long time ago. अब आप लोग सोच रहे होंगे कब का दे चुका है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगा, तो
अ लॉन्ग टाइम एगो होता है, हम हिंदी एज इट इज ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगला वाक्य, और तो और उल्टा रामू मेरे 5,000 रुपए चाहता है। और तो और उल्टा, इसकी इंग्लिश होगी ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है और तो और उल्टा, रामू मेरे 5,000 रुपए चाहता है, रामू ओस मी 5,000 रुपीज, जो मैंने उसके बर्थडे के एक दिन पहले दिया था। दैट आई गेव ऑन द ईव ऑफ हिज बर्थडे, बर्थडे के एक दिन पहले या फिर किसी भी कार्यक्रम के एक दिन पहले की इंग्लिश होती है ऑन द ईव। जैसे ऑन द ईव ऑफ दिवाली, दिवाली के एक दिन पहले, ऑन द ईव ऑफ होली, होली के एक दिन पहले, ऑन द ईव ऑफ बर्थडे, बर्थडे के एक दिन पहले। तो ईव ऑफ का मतलब होता है किसी भी घटना के, किसी भी फेस्टिवल के, किसी भी घटना के एक दिन पहले। और तो और ऑन द कंट्रेरी उल्टा रामू मेरे 5,000 रुपए चाहता है, रामू ओस मी 5,000 रुपीज, जो मैंने उसे उसके बर्थडे के एक दिन पहले दिया था। दैट आई गेव ऑन द ईव ऑफ हिज बर्थडे। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।